अरफा का रोज़ा रखा हुआ हूँ मैं। इस रोज़े में होता क्या है, इस रोज़े रखने से होता है कि आपका जो पिछले साल का गुनाह है वो गुनाह और मतलब जो आप लोग अगले साल जो करने वाले हो गुनाह, वो दोनों गुनाह आपका माफ़ हो जाता है। तो ये रहा सुबह के यहाँ पे, और वो इसका एग्जाम देके हो नशे गया में ना चला गया। भाई। हाथ हाथ देख दिख गाइस, देख लो गाइस, देखो हाथ पे दिख के रखा है भाई। मेरी एंड मेरी फैमिली की ओर से आप सभी को ईद मुबारक गाइस। কি হইলো, সাইডে গেল কিছু তো? কি হইছে এখন? গাড়ি চালাচ্ছি আমি, এটার মধ্যে খারাপ হয়ে গেছে তো আমাকে। ইয়ে কি টানতিছি মানে? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आ रहे हैं बढ़िया ही रहेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग टाइम देख लीजिए, अभी बज रहे 7:40 हो रहा है सुबह के, ठीक है। और अभी मैं रेडी रेडी हो चुका हूँ, क्यों? क्योंकि आज हम लोग का एग्ज़ाम है। सो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ फिलहाल अभी मैं। सो आज हम लोग के एग्ज़ाम है 10:30। सो अभी अभी मैं हम लोग रेडी हो चुके हैं। सो हम लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए अपने बाइक पे, अपने KTM जो है उस पर। और हम लोग का इससे पहले और एक एग्ज़ाम था, सो वो मंडे को था लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो 2 बजे था और आज ही सिर्फ आज का मतलब जो एग्ज़ाम है सिर्फ वही 10:30 सुबह। बाकी जितने भी एग्ज़ाम है और 2 बजे का, वो बाकी 2 एग्ज़ाम होंगे 2 बजे, मतलब दोपहर के 2 बजे। और हाँ, मैं गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि इतने दिन मैं कहीं पे नहीं गया था। सो इसलिए मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सका, यानी कि नहीं बना पाया। सो गाइस, फिलहाल बज रहे हैं 8 और अभी हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल, ठीक है, बाइक लेके। सो ये रहा अपना बाइक और फिलहाल निकलते हैं। और जाने के टाइम पर हम लोग को पेट्रोल भी भरना है। सो पेट्रोल भरने के बाद हम लोग डायरेक्ट मोटर व्लॉगिंग शुरू करेंगे, ठीक है। सो गाइस, ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोग है पेट्रोल पम्प, अभी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है पेट्रोल पंप से। सो क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल भरने के टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने इतनी देर से फ़ोन नहीं यूज़ किया था। और अभी फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं और फिलहाल हम लोग का जो गाड़ी का जो ये मीटर कटा है, ये इसका तार जो है ये कट चुका है, तो इसीलिए मीटर शो नहीं हो रहा है कितने में हम लोग चल रहे हैं, और ये भी बनाना पड़ेगा। और फिलहाल तो अभी हम लोग 500 का पेट्रोल का भर लिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इनकी लगभग खुली है। और फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं और निकलते हैं। और आज का मौसम बहुत ही सुहाना है गाइस, और क्या ही बताओ, सामने देख सकते हो आप लोगों को पहाड़ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन हम लोगों को दिख रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम होकर रखा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। और आज हम लोग जाने वाले राजा भातखावा से होते हुए, और मैं और मेरा भाई जा रहा है फिलहाल। बाकी जो जितने भी यहाँ के दोस्त हैं सब कोई चला गया है ट्रेन में, सो अभी अभी ट्रेन गया हुआ है। सो शायद हम लोग ट्रेन को पकड़ लेंगे, शायद अभी पता नहीं। और फिलहाल हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं कालचीनी। नेक्स्ट वीक सैटरडे को हम लोग का यहाँ पे वोट है, पंचायत वोट। सो इसीलिए इतना सर आप लोग झंडा देख पा रहे होंगे वोट का, भाई क्या ही बताऊँ। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं कितने बज रहे हैं अभी, 8:14 हो चुका है। और देख सकते हो सुबह सुबह का यहाँ का कुछ सीन भाई, कुछ इस तरीके का है कालचीनी का सीन सुबह सुबह। और हाँ गाइस, आप लोगों को बता दूँ, आज मैं रखा हुआ हूँ रोज़ा, अरफा का रोज़ा रखा हुआ हूँ मैं। इस रोज़े में होता क्या है, इस रोज़े रखने से होता है कि आपका जो पिछले साल का गुनाह है वो गुनाह, और मतलब जो आप लोग अगले साल जो करने वाले हो गुनाह, वो दोनों गुनाह आपका माफ़ हो जाता है। सो इसीलिए मैं ये रोज़ा रखा हुआ हूँ क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूँ गाइस। भाई बाइक लेके कॉलेज में जाने का मज़ा ही कुछ अलग, जो भी बोलो भाई, बाइक वाला सिर्फ मेरे को ही देख रहा है। मोटो व्लॉगर भाई, मोटो व्लॉगर में अभी ये लोग भी मेरे को देख रहे हैं। देखा भाई, पता ही था, सब ऐसे करके देख रहे हैं मेरे को, जैसे पहली बार देख रहे हैं मोटो व्लॉगर। तो मैं मोटो व्लॉगर हूँ ये बड़ी बात नहीं गाइस, बड़ी बात तो ये है कि मैं जितने का फोन मतलब हेलमेट में लगा के चल रहा हूँ उतने का तो मेरा बाइक ही है, ये बड़ी बात है गाइस। सुबह सुबह राइड करने का मजा ही कुछ अलग है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। आते टाइम मैं भाई को बाइक दूंगा,
ठीक है, वो आज मोटर व्लॉगिंग करेगा, देखते हो वो कैसा मोटर व्लॉग करता है। जब भी मैं व्लॉग करता हूँ वो बार बार मुझको टोकता रहता है कि ये करो, ये बोलो, वो बोलो। आज क्या करूँगा, आज आते वक्त मैं उसको बाइक दूंगा और बोलूँगा तू आज मोटर लगा दे। इतना बड़ा बड़ा बम लगा के रखता है भाई यहाँ पे। सो गाइस, कल है थर्सडे, कल है बकरी ईद। सो मेरी एंड मेरी फैमिली को से आप सभी को ईद मुबारक गाइस। भाई इंडिया का फ्लैग कैसे लहरा रहा है भाई, सल्यूट, एक सल्यूट भाई, एक कमेंट कर दो इंडिया की, इस फ्लैग के लिए एक कमेंट कर दो गाइस। ये हम लोग पहुंच चुके जंक्शन स्टेशन, जंक्शन के यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज के अंदर। सो ये देख सकते हो सामने कॉलेज है, और इसको आते वक्त इसको किसने काटा, भिंगरूल। भिंगरूल, भिंगरूल क्या होता है, मधुमक्खी जो है नहीं होता है, ना ना बीम होता है, बी होते है ना, क्या बोलते हैं उसको, बी बोलते हैं ना उसको, ऐसा बोलता है वो ही कुछ है, जो भी हो मधुमक्खी ने इसको यहाँ पे काटा, ये देख सकते हो भाई। वो तो लाल लाल है बेचारा, कभी एग्जाम कैसे लिखेगा इसका पता नहीं। अभी शायद फ्री फायर भी आने वाला है एग्जाम के टाइम में, तो पेन किलर तो ले लिया इसने, अभी देखते हैं। और फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, और अभी हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे बाद में, ठीक है, एग्जाम के बाद मिलेंगे। और फिलहाल यहाँ पे हम लोग का अपना KTM यहाँ पे लगाया है, भाई जो उधर पे शौक है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए आ रहा है। So guys, finally, हम लोगों का जो एग्जाम है वो कम्प्लीट हो चुका है। सो अभी हम लोग निकलने को आए हैं, और रास्ते में बाकी सब आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा शोभा भाई यहाँ पे, और वो पीछे वो इसका एग्जाम दे के नशे में चला गया। अरे हाथ देख के, गाइस देख लो, गाइस देखो हाथ पे लिख के रखा है भाई। चलो जो भी हो फिलहाल निकलते हैं, और रास्ते में बाकी सब क्या एग्जाम में हुआ बाकी सब रास्ते में बताते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली अभी अभी हम लोग अभी निकल रहे हैं, और एग्जाम तो आज का एग्जाम जो है वो लगभग ठीक ही गया है। इससे पहले वाले दिन का एकदम बेकार गया था गाइस, एकदम बेकार, मुझे लग रहा है उसमें बैक आ जाएगा, और सब कोई मेरे को ही देख रहा है। सो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज से बाहर, और अभी सबका एग्जाम खत्म हो चुका है, अभी बज रहे हैं 12:30, और आज का आज ही हम लोग का शिफ्ट था सुबह, और बाकी का जो दिन है वो बाकी 2 दिन और बाकी है। सो उस दिन हम लोग का रहेगा 2:00 PM। वो हम लोग का नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम था, लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि इलेक्शन है, सो पंचायत इलेक्शन, सो इसीलिए अभी वो कौन से दिन होगा एग्ज़ाम वो अभी देखना पड़ेगा। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर रास्ते में बारिश आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे भीगते भीगते, क्योंकि हम लोगों के पास रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं है। मौसम देख के तो लग रहा है बारिश आएगा, ये देखो इधर पे डुअर्स करना, और मेरे को तो रोज़ा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मोटो व्लॉगिंग करने में भी ना बहुत झमेला है गाइस, क्या क्या बोलूँ समझ में नहीं आता। जब मोटो व्लॉगिंग नहीं करता हूँ तब मतलब सब कुछ बोलना आता है अच्छे से, जब भी मैं शुरू करता हूँ मोटो व्लॉगिंग तब कुछ भी नहीं बोल सकता, मतलब बोल ही नहीं पाता हूँ। इंडियन फ्लैग को देखो गाइस, और इसके लिए एक लाइक कर दो प्लीज, एक लाइक एक सब्सक्राइब। सो अभी इसको कह देते हैं टाटा बाय 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 बाय, अभी देंगे भाई को मोटो व्लॉग करेंगे, ठीक है, अरे भाई मोटो व्लॉग करेगा। सो गाइस मेरा भाई का चलाते चलाते पीठ दुख गया, अभी मैं चला रहा हूँ, तब तक आप मेरा मोटो व्लॉगिंग देखो। सो मेरा भाई मुझे बोल रहा है ज्यादा तेज मत चलाओ। सो गाइस इतना देर से भाई चला था, और बाम मैं स्पीड से ले जा रहा था, इसलिए अब मैं भी ले जा रहा हूँ।
सबक सिखाने के लिए। सो गाइस, मैं सेकेंड थर्ड टाइम हेलमेट लगाया हूँ सर, इतना भारी भारी लग रहा है मुझे, क्या बताऊँ। ये देखो मेरा भाई हेलमेट में सर लगा उसका। मेरा भाई मुझे इंस्ट्रक्शन देख रहा है, दे रहा है इधर से मत जाओ उधर से मत जाओ, लेकिन मैं आंखों से देख सकता हूँ, उसे पता ही नहीं है। अरे बाबा, आप देख लो, ये राजा भातखाव का रोड है एक्चुअली। किसी दिन जाएंगे ले लद्दाख, अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो। देख रहे हो कक्का कैसे ले जा रहे हैं चचा। ओ चचा, ऐसे बम मत पार करो, गिर जाओगे, बताना चाहिए उनको। मेरा भाई डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। मेरा मीटर का कटा उठा हुआ है, गिर मेरा मीटर का, गाड़ी का स्पीड का जो तार है वो कट चुका है, तो इसलिए मीटर का कटा नहीं उठ रहा है। लेकिन गाड़ी चल रहा है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है। কিলো কাইটা গেল কিছু না, লাশ ঝাড়ি কাছু কাটলো না বিসমিল্লাহ। এই যে এইদিকে লাগতেছে না, গিয়ে কি কি লাগতেছে না, এত কি হয়েছে এখন, গাড়ি চালাচ্ছি আমি এটার মধ্যে খারাপ হয়ে গেছে, আমাকে ইয়ে কি টানতেছি, মানে কি করতেছি। খুলতো আগে, এটা খুল। सो गाइस, यहाँ पे गाड़ी खराब हो गया आते वक्त, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट बंद हो गया उधर पे, लेकिन अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। देखो अभी वो किक मार रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही हो नहीं हो रहा है। हो गया गाइस, हो गया, ये ये लगा फटाफट, अभी तो मुझे लगा था अभी स्टार्ट बंद नहीं होना चाहिए, आते वक्त गाड़ी स्टार्ट बंद हो चुका। चुप चुप गाइस, ने कैसा आवाज किया आ रहा है, नीचे लगा घर पे पहुंच के फेस वेस भी हो चुका हूँ, सो अभी जाके मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब इतना मैं थक गया था कि अभी कुछ मतलब वीडियो बनाने का हालत में नहीं था, और मैं ऊपर से रोज़ा रखा था, ऊपर से मतलब क्या ही बताऊँ, इतना दूर से ट्रैवल करना रोज़े के, इतना दूर से ट्रैवल करना रोज़े के, मतलब आप लोग समझ ही सकते हो क्या हालत हो चुका है मेरा। सो इसलिए आने के बाद मैं उतना मतलब वीडियो नहीं बनाया, और अभी मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊँगा एकदम, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट रोज़ा खोलने के बाद वीडियो बनाऊँगा।